कैब पे हम बैठ गए हैं और कैब वाले मना कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे उधर, और फिर से हमें कैब चेंज करना पड़ेगा, इसलिए वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे शौर्य हैं जो कि शैतानी कर रहे हैं, कभी बैठने के लिए रोते हैं, अब निकलने के लिए रो रहे हैं, तो इनका कुछ समझ में नहीं आता है। क्या है, क्या है, बोलो बोलो। नहीं कुछ बोलो, नहीं कुछ बोलेंगे। ये वाला है काम है अशोक शोक कैब बंद हो जाती है। कैब में बैठते के साथ शुभ की बोलती बंद। ऑटो आएगा, ऑटो आएगा, तो हम यहाँ पे दूसरी के कैब चेंज कर रहे हैं कैब, क्योंकि भैया जा नहीं रहे हैं वहाँ तक, तो हमें कैब चेंज करना पड़ रहा है। कैब वाले आ रहे हैं तब हम चेंज करके जाएंगे। जल्दी बोलिए यार आने के लिए। कहाँ से कहाँ से? हेलो, हाँ भैया कहाँ पे पहुँच चुके हैं? निकलते हैं, गाड़ी को एकदम टी पॉइंट पर रोड पे खड़े टमटम गाड़ी दिखी है यहाँ पे। चल टम टम गाड़ी दिख रहा है ना, टम 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 टम। देखो डॉगी भी बोलने लगा घोड़े को देख के। कैसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? चलिए तो हम चलते हैं दूसरे कार में। निकालिए एक और फाइनली ट्रेन में आ गए। छूटने वाली थी ट्रेन? नहीं नहीं ऐसा नहीं, बट अच्छी बात है थोड़ी देर पहले पहुंच गए हैं। कैब नहीं, ट्रेन का मतलब ठीक है, शॉर्टकट लिए रूट और हम पहुंच गए। नहीं तो लॉन्ग रूट से अगर आते हैं तो ट्रेन अभी तक ट्रेन चल भी जाती है, चल भी जाती है। हम लोग ट्रेन खुलेगी और हम निकल जाएंगे यहाँ से। खुलेगी चलेगी, खुलती तो चलती है। और गाड़ी पे बैठने की मेरा हालत हो जाता है खराब। मम्मी सोई गई थी तो उन्हें पता कुछ नहीं लगा कि मेरा हालत ज़्यादा खराब होता है, मेरा सिर दर्द होने लग गया। सेम सेम है हमारा, है ना? तुमसे ज़्यादा सेम। उनको लगता है सौर्य भी हमारे जैसा चिल्ला रहा था, लेकिन सौर्य शो हो गया था थोड़ी देर के बाद, और मैं भी शो गई थी। सोने से ये हुआ कि बच गए हैं। वोमिटिंग सौर्य भी शुभ भी नहीं किया, वोमिटिंग मैं भी नहीं की, बच गए। मुझे एकदम हाँ थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाने वाला था, हाँ हैबिट हो जाएगी तो कैब से हैबिट हो जाएगी तुम्हारी तो हो गई। क्यों तुमको दिन भर उल्टी जैसा होता है? अच्छा दो दिन पहले से इनका मन हो जाता है। हाँ दोनों शांत सर यहाँ, अभी दो मिनट पहले ना युद्ध हो रहा था। सर मेरा ही दे दो शॉट। ये किसका गाड़ी है बिट्टू? ये शॉट की मिली है फ्रेंड का, क्यूट सी फ्रेंड। दोनों फ्रेंड बन गए। हाँ शॉट एक फ्रेंड मिल गया फ्रेंड। हम आ रहे हैं ट्रेन में और हमारी ट्रेन, ये ट्रेन चल रही है अपनी टाइम से लेट चल रही है, और दूसरी ट्रेन जो है हमारे पास वो वैशाली की है, और वैशाली है दो घंटे आधे घंटे लेट, बट ये दो घंटे लेट है। आप देखा जाए तो दोनों टाइम पे पहुँचने वाले, अब देखते हैं गोरखपुर चलते वैशाली मिलती है नहीं मिलती है। गोरखपुर से हमारी कनेक्टिंग है वैशाली एक्सप्रेस,
सा स्पीड कम रही है देख। वो डब्बे से काम चला रही है और ये इसका टायर ले लिया। रात भर खूब मस्ती किया, खूब परेशान किया, सुबह उठ के अपने काम पे लगा हुआ है। चलो लो बच्चों को मस्ती चल रही है। अच्छा लगता है ना बच्चों की डाला बेड के पीछे फेंकेंगे सामान, अब उठा के तो चिल्लाएंगे, अभी तो वो काम नहीं हो रहा, अभी तो नीचे ही हम सोते हैं, मैं इसे कुछ छीनता हूं लेता हूं एक बार दो बार ना नीचे के मुझे होता है ना काटने लगता है। नहीं रात को तो हाँ पहले इधर रात को भी रो रही थी मैं वहाँ से यहाँ आई तब भी इसको आदत है इधर से इधर घूमने की खुले में सोने की, पर ये भी रो रही थी तब तो सोने की ना ऐसे ये भी कर रहा था वो सो ही नहीं पा रहा है पूरा ऐसे नहीं देख रहा है सॉरी खा जाना आपको भी तो सोने की इसे करना था बार बार पैर मार रहे बंद है हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर स्टेशन। दहेज आपको दिखा हुआ भी दिख जाएगा गोरखपुर स्टेशन। वेट कर रहे हैं हम कौन सी वैशाली के लिए, वैशाली का पता करते हैं या चली गई देखते हैं। चली गई ऐसा नहीं है, ट्रेन डाइवर्टेड है, स्टेटस नहीं दिखा। दिख जाएगा शुभ अपना लगेज लेके जा रहा है, शॉर्ट बैठा हुआ है आराम से और जा रहा है। चलो आ जाओ का स्वागत करता है यात्रीगण, कृपया ध्यान दें गाड़ी संख्या 1-2। बैग भी ले लीजिए। हम आ चुके हैं घर पे और मोश और शौर्य आते के साथ गया हुआ है, अपनी दादी दादा के साथ घूम रहा है, खेल रहा है और यहाँ का मौसम ना बहुत ही सुंदर हो गया है। आते के साथ बारिश होने लगी है, रिमझिम बारिश हो रही है और चारों तरफ पानी भरा हुआ था, हम बताएंगे थे
रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ था पूरा, अभी उसके पीछे बादल ही बादल बादल ही बादल है। नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।